हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ आपकी फ्रेंड ज्योति, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिजिटल वर्ल्ड एंड ब्यूटी टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। और फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों बाद मेकअप वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। जैसा कि आपको मेरे फेस को भी देख के लग रहा होगा, बीमार बीमार सा। और वीडियो बनाने जा रही थी कि मेरे लिप्स में मेरे हाथ से ही लग गया, तो थोड़ा सा स्वाइलिंग आ गई थी। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी स्वाइलिंग है लिप्स में मेरे। फिर भी मैंने वीडियो, चलो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया और इतने दिन से बीमार थी तो वैसे ही कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो मैं आज आपके लिए ग्रीन साड़ी मेकअप लुक लेकर आई हूँ, और ग्रीन स्मोकी आइज मेकअप लुक लेकर आई हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हम मेकअप को स्टार्ट करेंगे, मैंने चेहरे को वॉश कर लिया था, लिप बाम भी लगा ली थी, और आप देख सकते हैं साइड से मेरे लिप्स में लग गई थी, कट आ गया था तो स्वाइलिंग आ गई थी। तो इसके बाद मैं ले रही हूँ रोज़ वाटर, और अपने पूरे चेहरे पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है मैंने इसको, और फिर अच्छे से ड्राई होने दिया। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा फेस कैसा लग रहा है, काफ़ी दुबला सा हो गया है, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी, इस कारण मैं कोई भी मेकअप वीडियो नहीं बना पा रही थी। फिर उसके बाद मैंने एलोवेरा जेल अप्लाई किया है। एक्चुअली ये वीडियो मेरा पहले आने वाला था, लेकिन एंगेजमेंट मेकअप लुक मैंने पहले ही डाल दिया और ये वीडियो की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी ना, तो ये वाला वीडियो मैं नहीं डाल पाई। ये वीडियो मैंने पहले बनाई थी उस वीडियो से। और इसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ नीविया का, जो कि काफ़ी लाइट वेट है और बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। इसको मैं जब अप्लाई करती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपनी स्किन बहुत सॉफ्ट और ग्लोइंग लगती है। तो ये मैंने अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया, और इसको भी मैं अच्छी तरह से ड्राई होने दूँगी, और उसके बाद ही कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करूँगी। तो इसके बाद मैं ले रही हूँ सीरम विद प्राइमर, मतलब इसमें प्राइमर भी मिला हुआ है, जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ, तो मुझे अलग से प्राइमर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो बस इसको भी मैं अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी, और अच्छे से इसको अपने फेस पे मिला लूँगी, जिसमें कि अच्छे से हमारी स्किन में ऑब्जर्व हो जाए, और फिर इसको सूखने दूँगी। क्योंकि मेकअप तो मैं फ़ैन चला कर ही करती हूँ, चाहे कोई भी मौसम हो, ठंड भी हो, तब भी मैं फ़ैन ही चलाती हूँ। और उसके बाद मैं HD फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है, अगर आप इसको ज़रा सा भी लेते हैं ना, इसकी कम क्वांटिटी भी लेते हैं, तब भी ये आपके फेस पर अच्छे से लग जाता है और काफ़ी अच्छी कवरेज देता है फ्रेंड्स। तो इसको भी मैं डॉट डॉट करके अपने फेस पर लगा लूँगी, और फिर पूरे फेस पर डॉट डॉट करके लगा लूँगी, और उसके बाद मैं ना इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूँगी अच्छी तरीके से। ब्लेंड करी और ब्लेंडर गीला कर कर ही लेना है, गीला करके आपको उसको अच्छे से निचोड़ लेना है, और उसके बाद आपको ब्लेंडर को यूज़ करना है, तो अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाती है आपकी, और बिल्कुल कोई भी लाइनिंग नहीं आती है कि आपके चेहरे पे कुछ भी दिखाई दे। तो उसको अच्छे से आपको ब्लेंड कर लेना है। और उसके बाद मैं लूज़ पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। लूज़ पाउडर पूरे फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी, जिससे कि हमारा फाउंडेशन अच्छे से सेट हो सके। तो उसको आपको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। क्योंकि ना अगर हमारा फाउंडेशन अच्छी तरह से सेट हो जाता है फ्रेंड्स, तो फिर हमारा ना मेकअप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता जल्दी से, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हमारे फेस पर रहता है। इसके बाद मैं ले रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक की कंटूरिंग स्टिक, जो कि 2-in-1 है। इसमें हाइलाइटर भी है और कंटूरिंग भी है, तो इसको मैं कंटूरिंग पॉइंट्स पर लगा लूँगी अच्छी तरह से। वैसे तो मेरा माथा छोटा ही है, तो ज़्यादा कंटूरिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैंने फिर भी हल्का हल्का कंटूरिंग करने के लिए लगा लिया है। और उसके बाद इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ऊपर की तरफ,
इसको आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है इसको ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ करनी है बाकी की कंटूरिंग को ब्लेंड। और नोज़ की भी मैंने कर ली है अच्छे से कंटूरिंग, आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ हम कंटूरिंग करते हैं वहाँ हमें कोई भी पाउडर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर हम उसके ऊपर पाउडर का यूज़ करते हैं ना तो कंटूरिंग जो है वो हमारी दब जाती है, तो वो दिखती नहीं है। और उसके बाद आपको आईब्रो फिल कर लेनी है। आईब्रो फिल मैंने एडिडास की पेंसिल से की है। और उसके बाद मैं आई मेकअप स्टार्ट करी है, तो मैं वाइट कलर का शेड हमेशा अपनी आईज़ पर अप्लाई करती हूँ पहले कोई भी साइड यूज़ करने के, जिससे कि अच्छा बेस बन जाता है और कलर जो भी हम यूज़ करते हैं ना वो काफ़ी उभर कर आता है, तो वो आपको अच्छे से लगा लेना है अपनी दोनों आईज़ पर। तो बस आपको अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है लगाने के बाद, जिसमें कोई भी क्रीज लाइन ना रह जाए। और उसके बाद ना मैं पिंक कलर ले रही हूँ, लाइट पिंक कलर है, जो कि सिर्फ क्रीज लाइन अपने आँखों के यहाँ पर क्रीज लाइन पर लगा रही हूँ। दोनों आइस पर मैं लगा लूँगी और अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लूँगी। बस हल्का हल्का सा ही हमें लगाना है, जिससे थोड़ा सा अच्छा सा लुक आता है इससे फ्रेंड्स, और आंखें काफ़ी गहरी गहरी दिखाई देती हैं। तो मैंने दोनों आइस पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है अंदर, मतलब मैंने ऊपर ही अप्लाई किया, आप देख सकते हैं नीचे साइड में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करी हूँ उसको। और उसके बाद मैं अपने पैलेट में से ग्रीन कलर ले रही हूँ और उसको ब्रश की हेल्प से अच्छे से लगा लूँगी अपनी आईलिड पर। पूरे एक ही शेड ले रही हूँ फ्रेंड्स मैं, तो इसको पूरी आईलिड पर अच्छी तरीके से लगा लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों आईज पर लगाना है फ्रेंड्स, जब तक कलर अच्छे से ना आ जाए जो कलर हमें चाहिए। और जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है ना, मैं ब्रश की हेल्प से उसको अलग कर लूँगी, ब्रश की हेल्प से मैं उसे। तो इसके बाद मैं ले रही हूँ शिमर शाइनिंग वाला आई शेडो ले रही हूँ ग्रीन कलर का, और इसके ऊपर फिंगर की हेल्प से मैं उसको अच्छी तरह से लगा लूँगी। हमें दबा दबा कर लगाना है क्योंकि लगता नहीं है जल्दी से, और अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे मल मल के लगाते ना तो फिर वो नहीं लगता है। तो जब भी इसको लगाए ना तो फिंगर्स को थोड़ा सा दबा दबा कर ही लगाएं इसी तरीके से, तो ये अच्छे से लग जाता है। तो इसी तरह से मैं दोनों आईज पर अप्लाई कर लूंगी। तो मैंने दोनों आईज पर अप्लाई कर लिया, और इसके बाद मैं ब्लू हेवन का आईलाइनर यूज करी हूँ। लाइनर हमेशा आपको छोटी छोटी स्ट्रोक पर ही लगाना है, जिसमें कि वो फैले ना और अच्छे से लग जाए। तो मैं इसको हल्का हल्का सा बाहर की तरफ भी लगा रही हूँ, क्योंकि जब तक ना लाइनर थोड़ा सा बाहर की तरफ नहीं लगाएंगे आप तो एक लुक नहीं आता है। और उसके बाद ना मैंने काजल लगा लिया है, ऊपर नीचे दोनों लैशेस में लगाया है अवर लो पर, और उसके बाद थोड़ा सा काजल फैल गया था तो मैंने फिंगर से छुटा लिया था, और लैशेस पे अप्लाई कर लिए मैंने। और काजल को मैं थोड़ा थोड़ा सा ब्लेंड कर ले रही हूँ ब्रश की हेल्प से, और हल्का हल्का ग्रीन कलर भी साथ में मैंने लगाया है इसमें नीचे की तरफ भी, जिससे कि काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। उसके बाद मैं लिप की कंटूरिंग कर रही हूँ, तो आपको भी लिप की कंटूरिंग कर लेनी है, जिससे कि लिप्स का शेप भी अच्छा आता है और लिपस्टिक भी अच्छे से लग जाती है। तो मैं एडिडास की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ ब्राउन कलर की, और मेरी लिप्स में लगी हुई है ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे लगाने में, लेकिन फिर भी मैंने पेंसिल अप्लाई कर ली थी। बहुत दर्द कर रहा था मुझे लगाने में, बट फिर मैंने लगा लिया था। उसके बाद मैं रेड कलर की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि रेड कलर बहुत प्यारा दिखता है जब हम किसी भी ड्रेस पर लगाते हैं, और ग्रीन कलर तो बहुत ही प्यारा दिखता है।
रेड कलर की लिपस्टिक की तो बात ही अलग होती है फ्रेंड्स, वो बहुत ही यूनिक दिखती है, बहुत ही अच्छी दिखती है और मेरा फेवरेट भी है रेड कलर। मुझे ज़्यादा रेड ही कलर लगाना पसंद है लिपस्टिक में और पिंक कलर, और कोई भी कलर मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बस मेकअप के हिसाब से जब ज़रूरत पड़ती है तो ही करती हूँ। उसके बाद मैं हाइलाइटर ले रही हूँ, वो भी इनसाइड कॉस्मेटिक का है और उसको भी मैं लगा लूँगी अच्छी तरह से और उसके बाद मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी, है ना। तो पहले आपको लगा लेना है इसको और फिर फिंगर की हेल्प से भी आप इसे ब्लेंड कर सकते हैं, ब्लेंडर की हेल्प से भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हो अच्छी तरह से। तो आप देख सकते हैं कि हाइलाइटर लगाने के बाद चेहरा कितना सुंदर दिखाई देने लगता है। उसके बाद मैं मेकअप फिक्सर का यूज़ कर रही हूँ, ये स्टिच ब्यूटी का मेकअप फिक्सर है और इसे मैंने अप्लाई कर लिया। ड्राई होने के बाद आप देख सकते हैं ये मेरा फाइनल लुक है। तो आपको कैसा लग रहा है मेरा मेकअप, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा मेकअप और आईज का मेकअप कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए जिससे कि मेरा न्यू आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।